क्या रोटियां? हाँ कर दो, फिर चलते भी है ना, लेट हो जाएगी। और बड़े टाइम बाद ना रश बड़ा कम लग रहा है यार, देखो सड़कों पे, वरना इस टाइम को ना भरी होती थी सड़कें यार। आज तो छुट्टी वाला दिन है, वैसे ही अब तो लोग आज कम निकलेंगे, अच्छी बात है भाई। हमने जान जानो थोड़ा दूर भी है तो ट्रैफिक जितना कम लगेगा उतना ज़्यादा बेटर है। पता नहीं हाईवे पे ट्रैफिक मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, उसकी गारंटी मैं दे नहीं सकता। बाकी फाइनली गाइस उठ चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुका हूँ मैं, अब बस चलते ब्रेकफास्ट करने। वो अपने एक ऑर्डर भी आना था, वो भी आ चुका है। फ्लिपकार्ट मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट बोलिए सर, एक OTP आएगा, डिलीवरी कोड वो दे दीजिए। अपना एक ऑर्डर आया जो है मिक्सी एंड ग्राइंडर। देखिए हमने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मंगवाई है, क्योंकि अब ऐसे है कि ऑनलाइन ना मतलब आपको डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल ही जाता है। पता नहीं कब कब वो ऑर्डर्स आते रहेंगे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए हम बाय चांस घर पे ना और वो ऑर्डर आए। वो अपने को भाजी भी लेनी है मम्मी आ रहे भाजी यार। एक तो गाइस अब ऐसा है कि मैं मतलब मैं पूछ रहा था, पता नहीं भाजी की मार्केट यहाँ नज़दीक कहाँ होगी वो भी हमें पता नहीं है, उसका भी हाँ थोड़ा कर लेंगे। बाकी ये देखो अपना भाई आज भी खाना तैयार है, बढ़िया मम्मा ने भिंडी बना दी है और साथ ही जुगाड़ किया है रोटियां बनाने का। देखो कल हमने बेलन ले आया था और अब मम्मी ने चॉपिंग बोर्ड को ही चकला बना के इसमें रोटियां बेलनी शुरू कर दी। बट सही है यार, सच बताओ नीचे बेलने से अच्छा तो ठीक है इस पे भी, क्यों है ना और क्या। अब करते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा है ना, हाँ निकालते हैं। और हमने ना कहीं आज जाना भी है, थोड़ा दूर जाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं जितना जल्दी निकल सके उतना ज्यादा बेटर है, ताकि हमारे वहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके और फिर जल्द से जल्द हम वापस भी आ सके। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया हम आपको भाजी खरीदनी है मतलब सब्जी खरीदनी है, तो उसके लिए भी पहले मार्केट ढूंढनी पड़ेगी कहाँ से हम खरीद सकते हैं। देखना दो तीन बॉटल्स लानी पड़ती है ताकि पानी भर के ना फ्रिज में रख सके, क्योंकि भाई पानी बड़ा गर्म है यहाँ पर, प्यास ही नहीं बुझ जाती है यहाँ पर। बाकी गाइस निकलते हैं फिलहाल के लिए और आप रेडी है जी? रेडी तो ऊबर और वो करवानी पड़ेगी अभी है। ऑलरेडी कितना बज चुका है? 1 बजने वाला है यार, सोच रहे थे 12:30 तक निकल जाएंगे बट करते कराते टाइम हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है। कैसे टिड्डे मिड्डे सोए हुए, ये देख रहे हो गाइस बैग में रखे रखे क्या हाल हो गया बेचारों का यार। बट वो है जब पाँव डालूंगा तो शायद शेप लेना शुरू कर देगा, ले भी लेनी चाहिए वरना मेरे को बड़ा दुख होगा यार। ऐसे होता है यार खराब हो जाता है जब ऐसे पड़े पड़े छोड़ दो ना यार। ये देख रहे हो ये जूता मेरा निकल ही गया यार यहाँ से, देख लो अब नए जूते दिलाओगे मुझे मैं जूते चाहिए घर का सामान है चलो कोई नहीं। अच्छा बिल्डिंग देख रहे हो कितनी बड़ी है लोधा भाई साहब, यहाँ आके तो गाइस हम पता नहीं ऐसा लग रहा है लगी दुनिया में पहुंच गए यार, है ना। ओ वो का केसिंग भी भाई यहाँ, क्या बात है नाइस। अब एंट्री हमारे लिए यहाँ से नहीं होगी मम्मी, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह की होगी। ओह सम क्रेजी थिंग, बचपन से बच्चे क्या बात है यार। अब ये इसके लिए भी उम्र चाहिए होगी कोई, क्या इतनी उम्र तक ही चला सकते हैं गाड़ी बाकी बिल्डिंग का साइज देख रहे हो गाइस, ओ भाई क्रेजी यार। बट बिल्डिंग्स का आप साइज देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है बिल्डिंग यार। नहीं सीरियसली गाइस मतलब अभी तक जैसे हम अंधेरी ईस्ट वाली साइड चलो ज्यादा ज्यादा गोरेगांव मलाड वाली साइड गए, वहाँ देख के भी ऐसा लगता था कि यहाँ बड़ी बिल्डिंग है, बट यहाँ देख के तो कुछ अलग ही लग रहा है यार। यहाँ इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और वो भी इतनी सारी, मतलब एक तो हम इस साइड को आते भी बहुत कम है, पता नहीं अगर आए भी होगे लास्ट कब आए होगे, उस टाइम मुंबई के दौरान जब पहले रहते थे एक दो बारी वो भी, वरना यहाँ आना तो होता ही नहीं था वैसे भी। गाइस हम जिसके लिए आए हैं हम आए इस चीज़ के लिए, देख रहे हो सामने IKEA भाई अब मुंबई में IKEA खुला और इसका फ़ायदा ना उठाया जाए तो क्या क्या फ़ायदा है IKEA का यहाँ होने का, जब वो अंदर जाके पता लगेगा। अभी मैंने भी ऑनलाइन ही देखा है जो देखा है yeah। चलते अंदर एक्सप्लोर करते थोड़ा, अब जो रिमेनिंग चीज़ें हमने सोचा ही था कि यहाँ से देखेंगे अब अपने लिए जो भी है, अब उम्मीद यही है कि हमारे को बस मिल जाए यार और फिर वो जल्द से जल्द डिलीवर भी हो जाए, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा दूर है जो हम आए हुए हैं यहाँ को, अब वहाँ तक डिलीवर करना पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एक्साइटेड बड़े हैं मैं और मम्मी है ना जाने के लिए अंदर,
क्योंकि मैं और मम्मा इतने टाइम से आई क्या मैं सामान देख रहे वो भी ऑनलाइन, तो बड़ा अच्छा सामान दिखता था। केरा भाई सामने आई क्या की एंट्री, हाँ वहाँ से नहीं थी। ओह गाइस दिस इज दैट, अब बास्केट लेके ऊपर जाना पड़ेगा क्या? आ जाओ भाई, यहाँ कुछ अलग ही आई किया यार। मतलब हम इतने जैसे अलग अलग जगह चले गए, जैसे होम सेंटर हो गया और चीज़ें होगी, बट ये टोटली डिफरेंट है भाई। और देखो और देखो, ओ भाई साहब यहाँ तो मम्मी ऐसा होने वाला है कि हम लुट भी सकते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं है, एक फ्लोर ऊपर भी है गाइस, तो सबसे पहले ऊपर ही चलते हैं, वहाँ से शुरू करके फिर नीचे को आते रहेंगे। सो ब्यूटीफुल यार। ओह शिट लैंप्स, बस सही है लैंप्स। ओह शिट ये देखो इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स है यार यहाँ पर, यहाँ सारी प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही है ना। अलमीराज अलमीराज स्टोरेज आगे है, वो देखो आगे आगे सामान है, उस अकॉर्डिंग हम जगहों पे जाते रहेंगे। अभी सबसे पहले हमें चाहिए वार्डरोब, तो वार्डरोब के लिए भैया को, भैया तो पागल हो जाएगा आगे, यहाँ तो किचन कैबिनेट्स वगैरह है गाइस। अब गाइस ये अंदर ही अंदर कहाँ तक फैला है ये समझ ही नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर कहाँ तक फैला हुआ है। सुंदर सुंदर चीज़ है यार, सो ब्यूटीफुल। 12,000 की। अब हमें टेबल और ये भी चाहिए था, ये वाइट वाला अच्छा है यार। ये सबका अलग अलग कॉस्ट है क्या? टेबल इस 4,000 है, बाकी चेयर्स अलग है ना? अच्छा है ना, स्ट्रॉन्ग है। हम घूम तो रहे गाइस, अब ये समझ नहीं आ रहा स्टोरेज पूछ लेते किसी का क्या कैसा कैसा सामान है गाइस। ओ भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैथ्स। वॉश वो किचन के लिए, किचन के लिए है यहाँ से, यहाँ भाई कर्टन मिल गए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें गई यहाँ, यहाँ है पागल होने वाली चीज़ें। मैं बोलूँ ये हॉल के लिए, ओ भाई साहब अभी मतलब एक फ्लोर पे घूमे गए, अभी इतना सामान ले लिया हमने क्या? ओ ये वाला बाद में ना, बाद में यार अभी हम किसी और चीज़ के लिए गए, ये तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये देखो ना एक ही फ्लोर के अंदर हमने क्या क्या ले लिया। मोमो मेकर है ये, हैं मतलब सिड्डू मेकर गाइस, हमारे लिए तो सिड्डू मेकर है, मोमो मेकर नहीं मानते इसको, हम सिड्डू मेकर मानते हैं। ले तो जाना है आज बट मम्मी ने ऑनलाइन मंगवा दिया है भाई, हम जहाँ भी शिफ्ट होते हैं वहाँ के लिए सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि सिड्डू मेकर मिलना चाहिए। ठीक है सर ये मैं पे करूँगा आपसे, वार्डरोब और उसके करो ठीक है, ये मेरा है सारा, ये मैं पे करूँगा सब। इसमें ऑर्गेनाइजर लॉकर, लॉकर नहीं लगेगा ना मुझे इसमें कोई, चलो देखते हैं। बट वार्डरोब ऐसा कुछ है गाइस, बट देखना सुंदर सुंदर बेड है यार, बेड देख रहे हो कितना सुंदर है, वाइट वाले गाइस। वार्डरोब्स तो बड़ी सुंदर सुंदर है, बट सुंदर है फिर रेट भी थोड़ा एक्सपेंसिव है उनका, और जो हमारा बजट है उसमें वही फिट आ रही है जो 4,000 है। नाइस है ना, अच्छा है यार, बट ये लगाएगी कहाँ वार्डरोब्स, और कहाँ की वो वाली तो दिखी नहीं, हाँ इस साइड को भी तो है, ये ज़्यादा वो भी है मोटी भी है, ये ज़्यादा बेटर है ना, ये ज़्यादा बेटर है गाइस, वो जो हम पिछली देख रहे थे उससे तो कई ज़्यादा बेटर है, वो तो कुछ ज़्यादा ही पतली थी क्या, देखना कितनी सही चीज़ देती है यार। अब नापने के लिए जैसे आपने वार्डरोब लेना है और लगाना है अपने पर्टिकुलर स्पेस में, उसके लिए देखना स्पेशली इन्होंने ऐसे पेपर के वो रखे क्या बोलते हैं मेजरिंग टेप, ताकि आप एग्जैक्ट पता लगा सको कि कितना, ऐसी थे पैक में पड़े तो मैं लिया, अच्छा ठीक है मेरे को ऐसे दिखे यार गाइस। अब यहाँ देखो इन्होंने स्पेशली न्यूज़पेपर्स रखे, अगर आप कुछ आइटम्स पैक करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ टेस्ट भी करना चाहते हो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसके लिए भी इन्होंने स्पेस दिया यार,
वेरी नाइस यार, बहुत ही अच्छा सिस्टम है IKEA का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम, सबसे बेस्ट है IKEA, मैं बता दूँ ओवरऑल ना सबसे बेस्ट है। अगर ये पूरे इंडिया में खुल गया ना धीरे धीरे सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। आपके लिए होगा थोड़ा सा, आप छोटे हैं ना भाई, थोड़ा तो वो होगा ही यार। बाकी गाइस सच बताओ कि इतना टाइम हमें सामान खरीदने में नहीं लगा जितना भी फीडबैक देने में लग गया, इतनी सारी चीजें थे भाई दिमाग पक गया मतलब। बट कोई नहीं भाई, पहला एक्सपीरियंस था, चलो ये भी ठीक था। बाकी अच्छी बात ये है भाई साथ ही में इनका रेस्टोरेंट भी अपना, जहाँ हम कुछ खाने पीने भी आए। सोचो ना सही है, मतलब जहाँ शॉपिंग करके आपको भूख लगी उसके बाद सीधा यहाँ रेस्टोरेंट में आ जाओ, खाओ पियो और निकल जाओ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, बहुत अच्छा था, मजा आया, अच्छा है ना, फिनिशिंग सामान के बहुत एकदम से यूनिक बोलते हैं, ओवरऑल सिस्टम भी बहुत अच्छा है इनका, है ना, मतलब बाकी इनकी जो सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी है ना। पूरी बिल्डिंग चाहिए, सही बात है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टोर है गाइस एंड तक के, मतलब हम कहाँ कहाँ तक नहीं घूमे भाई। द सिस्टम सो गुड यार, मतलब यहाँ से कुछ भी आप पिक करो है ना, उस अकॉर्डिंग फिर आगे जाके पे कर दो जो जो आपको चाहिए, इट इज लाइक बुफे सिस्टम, यहाँ से उठाओ सामान और आगे जाके पे कर दो। अब इसमें से मम्मा क्या खाएगी, चोको मफिन और आलमंड केक। ये देखो जो जो चाहिए वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से गर्म करके यहाँ पर सर्व कर देंगे। पूरा मील है भाई यहाँ पर, पूरा मील, ये देखो स्टीम्ड वेजिटेबल्स, उससे छोले राइस रैप है ना, या पोटैटो वेजीज या स्टीम्ड वेजिटेबल्स, यहाँ भी कुछ है कुछ ना कुछ है। ओ नाइस, कुछ हमने ऑर्डर कर दिया भाई खाने का, छोले राइस, एक वेज रैप, साथ में आलमंड केक, साथ में स्टीम वेजीज और दो कैपेचिनो। बढ़िया, खाते पीते ऐश करते फिर निकल जाएंगे, कुछ और भी खाना होगा तो खा लेंगे, ऑप्शन भी बता दिए अपने पास। तो गाइस बढ़िया, शॉपिंग करने के बाद खाने पीने के बाद अब आ चुके हम फाइनली बाहर। यहाँ भाई देखना कितना प्यारा एरिया है यार, ये सारा का सारा, ये देखना, देखो कितना ही प्यारा एरिया है ये सारा का सारा, सिटिंग लिए भी कितना बढ़िया और कितना खुला खुला एरिया है यार, मतलब यहाँ से आती है फील थोड़ा, हाँ कि भाई थोड़ी मतलब ऐसे अच्छी जगह पे आए हुए हम। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके थे और अब ज़रा थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग की जाए सामान की अपने। जब उसमें डाल रहे थे तब कैसा लग रहा था कि बहुत लिया है, बट अब एकदम से ऐसा क्यों लग रहा है सामान कम हो गया अपना, क्यों? एक आपने रख दिया है खोल के पैकेट, टच हो जाएगा, सही बात है, अंदर की हाइट ज़्यादा है, पहले चले पहले चल पड़ता ना, शाम हो जाएगी फिर ऐसा हम चाह रहा हमें, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं इसके हम भाजी लें, मतलब सब्जी लें, यहाँ कहीं मार्केट बता रहे इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे, तो देख आते हैं एक बारी है भी है कि नहीं है, नहीं हुआ तो ठीक है देख लेंगे कहीं और, वरना जब वो आ जाएगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी गई मुझे अब ये, इसलिए अब ये मतलब मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा बट बता देता हूँ जिनको नहीं होगा, ये अब ये इसलिए जैसे आप कोई बर्तन धो के रखो तो इस पे रख दो वो इजीली सूख जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई एरिया वो गीला कर देगी। या फिर अभी हमने स्टैंड मंगवाया ऑनलाइन बर्तन का जिसमें हम गीले बर्तन उस पे रख सकते हैं, तो स्टैंड भी हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि पानी नीचे ना रुके। क्या बात है भाई, यहाँ पुदीना, क्या पुदीना स्मेल सुनी पुदीने की, फ्रेश एकदम यार भाई, सब्जियाँ तो मिलती है मुंबई में है ना, सब्जी फ्रूट तो एक नंबर मिलता है, जो बोला लाल टमाटर पंजाब में नहीं मिलती भाई सब्जियाँ, पंजाब में बहुत बेकार सब्जियाँ मिलती हैं, बट यहाँ इवन फ्रूट्स एक नंबर, टमाटर एक किलो क्या देते 50 ये है, सब सही है भाई, क्या बात है। और ये कितना मिलेगा सब्जी अच्छा यार, है
तैयार चाहिए थोड़ा चाहिए कल खाने वाला है। मतलब ऐसे थोड़े तैयार वाले दे दो, थोड़ा कच्चा दे दो। मुंबई की स्पेशल इलायची केला, बट जो स्वाद होता है ना भाई एक नंबर, थोड़ा महंगा और थोड़ा छोटा होता है, वरना जो स्वाद इसका एक नंबर है। यही मिस करता है मैं बहुत ही भाई। और जिस जिसने इलायची केला खाया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और कैसा लगता है वो भी बताना। चिनिया बादाम केला, अच्छा ठीक है। हमारा काम सिर्फ यही रह गया, सामान लाओ घर पे छोड़ो फिर से बाहर निकलो दूसरा सामान लेने। अभी भी ऐसा क्या, सब्जी वाली घर पे छोड़ दिया, फिर से जा रहे हैं डी मार्ट क्योंकि वहाँ से भी छोटा मोटा सामान लेना है। तो चलो वेलकम टू डी मार्ट अगेन गाइस। बाकी सब छोड़ सकते हैं हम जगह, ये नहीं छोड़ सकते क्योंकि ज़रूरी का सामान जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। सामान ले गया है, देखो बिलिंग काउंटर में कितना ज़्यादा रहता है, बिलिंग करवाते टाइम हमारे को आधा घंटा लग जाएगा। ये घुसेगा ना इसके बीच से, नीचे ना थोड़े तो झूले गया नीचे, देख लो खींच भी जाएगी ना, झूलेगा तो झूले छोटा करवा देते पहले, छोटा करवाए तो कितना करवाए छोटा, क्या बोलते एक फुट कम से कम ना। तुमके पास थे भी इतने अजीब साइजेस ना, 5 फिट 8 फिट फिर सीधा 10 फिट, और उसमें बंदा किस हिसाब से करे। जो वो भी चाहिए होगा यार, वो जो छोटे छोटे वो है जिसके अंदर वो मेरे थोड़ा वो आएगा, समझ गया। शे बड़ी लॉन्ग टाइम नो सी, शॉर्ट से वाले नहीं मम्मी ये रख दो, ये बट ये बाहर निकाल के रखूँ। जिस हिसाब से मैं कपड़े देख रहा हूँ ना अपने, आएगा वो उसमें वैसे है गाइस, कबर्ड तो चलो हमने ले लिया, अब उसमें इतनी स्पेस होगी, माना उसमें स्पेस होगी बट इतनी नहीं होगी कि मतलब फिर सारे एडजस्ट कर सके, फिर ऐसा है कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ाना पड़ेगा, वो फिर अनऑर्गेनाइज जैसा हो जाता है। अब ऐसा है कि ऑर्गेनाइजर्स मंगवा के रखूंगा ना, उस टाइप के कपड़े जिस जिस ओकेजन के कपड़े उस अकॉर्डिंग रखूंगा मैं। अब जैसे बाहर जाने की टी शर्ट से वो अलग रखूंगा, घर की अलग रखूंगा, जिम के अलग रखूंगा, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज ऑर्डर करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो करते हैं अभी फटाफट। इसके बाद पहले मैं अपने लिए जिम के लिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि सुबह की तैयारी भी करके रखते हैं अभी से ही, ताकि सुबह ज़्यादा अपने को वो ना करना पड़े हड़बड़ी। शर्ट्स मम्मा मैंने निकाल के रखी है, देखो अभी फिलहाल एक तो ये देखो ये वाली